इस छोटी सी शॉप के अंदर है ना बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए भैया के हाथों से। इसका जो जादूगर है वो सिर्फ भैया ही है, खुद ही शेफ है, ओनर शेफ जादूगर, आप जो बोलना चाहो भैया वो है शॉप के। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका गुप्ता आप सबका चाहिए था आज एक नए फूडी टूर के अंदर आप सबको लेके चलता हूँ। आपने तो वैसे पिकनिक बहुत सारी टाइप की खाई, कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन आज जब मैं खिलाने लेके आया हूँ आपको, यहाँ पे एक दो नहीं बिल्कुल 450 तरीके की पिकनिक मिलती है। तो मेरे साथ बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, कौन सी भी वीडियो देखते हो उनको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने सारी फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको जिस शॉप पे लेकर आया हूँ, ये अलवर की फेमस शॉप है जो मैंने आपको पहले बताया। इस शॉप का नाम है द सिलेक्शन पॉइंट, SP, शॉर्ट में इसको SC वाले के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज अपन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैं आपको अच्छी बात बताऊँ कि अलवर में जो भी पेटीज़ वेटीज़ है, जो भी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं करी गई है। जहाँ पर भैया ने ये तो मेरे कहने पर हटाई है यहाँ की डंडी, पर ये जो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग हो रखी है, अंदर किसी को एंट्री नहीं है। यहाँ पर आपको ऑर्डर देना है, आप वहाँ से दीजिए ऑर्डर और वहीं से आपको को टेक करना पड़ेगा, चाहे जोमेटो वाला हो, चाहे आप पिकअप डिलीवरी, आपको कुछ भी करनी हो। तो चलिए अपन अंदर चल के देखते हो भैया से, पूछते हैं कि क्या क्या फेमस है और कैसे कैसे फेमस है। मैं आ चुका हूँ आप सबके लिए शॉप के अंदर। तो चलिए अपन शॉप ओनर से बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आपका नाम क्या अंकल जी? मेरा नाम गुलशन कुमार चटकारा है। अच्छा अच्छा, आपका रेजिडेंस यहीं का ही है? अलवर का ही है। अच्छा अच्छा, आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया? मुझको इस काम में करते हुए 17 साल हो गए। 17 साल, क्योंकि 17 साल में मैं आपको बताऊँ, अलवर में मैंने भी खुद, मैं 11th 12th में था तब मैंने यहीं से खाता था ऑलमोस्ट डेली की, तो इसलिए मेरे को अच्छे से पता है कि अलवर की बेस्ट पेटीज है वो SP की है। चलते हैं अपन देखते हैं अंकल आपकी शॉप की स्पेशलिटी। मेरी जो शॉप की स्पेशल पेटीज है वो पेटीज तंदूरी पेटीज है। अच्छा, तंदूरी पेटीज है, अमृतसरी मखनी पेटीज है। अच्छा अच्छा, और इनके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं मैं खुद तैयार करता हूँ, इनमें टॉपिंग लगती है वो मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, मैं किसी बताता नहीं हूँ। इसके अलावा सॉसेस हैं जो वो खुद बनाता हूँ, 10 तरह की सॉसेस मेरे पास। दोस्तों 10 तरह की सॉसेस नहीं मिलती अलवर में कहीं पे भी और ना ही बाहर मिलेगी। 450 प्रकार की पेटीज है मेरे पास। अच्छा अच्छा, लेकिन कोरोना काल चलते हुए हमने मेन्यू शॉर्ट कर रखा है, स्टाफ कम कर रखा है, इसलिए जो रनिंग पेटीज वहाँ चल रही है 150 प्रकार की पेटी चल रही है। 150 प्रकार की पेटीज। तो चलिए अपन करते हैं इस अंकल से ऑर्डर। तो चलिए अपन देखते हैं पेटीज कैसे सुनाते हैं। आज अंकल अपने लिए खुद स्पेशल बना रहे हैं एकदम गर्म गर्म पेटीज। तंदूरी पेटीज बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, पेटीज है उसके अंदर तंदूरी क्रीम लगती है, तंदूरी क्रीम हमारा खुद का बनाया होता है, प्योरली होम मेड, इसमें कोई केमिकल नहीं है, खुद हम बनाते हैं। ये क्या 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 डाल रहे हैं अंकल इसका? इसमें पनीर है, पनीर है इसके अंदर, प्याज आ गया, ये नमकीन आ गया, ये चीज स्प्राइट है, अब देख रहे जैसे भैया ने, अंकल जी ने पूरी भर भर के टॉपिंग कर रखी है इसके अंदर, जैसा प्राइस है उसी के हिसाब से इसने माल डाला हुआ है। प्राइस भी इसे खास प्राइस दी है इसमें, इसमें जो सॉसेस देंगे हम, 10 तरह के सॉसेस हमारे पास, ये सारी सॉसेस रखी है यहाँ पे, टमाटर सॉस हो गई, गार्लिक सॉस, बटर पनीर सॉस, तंदूरी सॉस, इतने सारे सॉस मिल गए तो पेट में सॉसों का मैदान चल जाएगा। कोई बात नहीं, अपन चेक करते हैं सारी। पहली पेटीज बन चुकी है, अब अपन दूसरी पेटीज बनवा रहे हैं अफगानी पेटीज आप लोगों के लिए। ये डाल रहे भैया इसके अंदर अफगानी सॉस, अफगानी टॉपिंग होती है, अफगानी क्रीम, ये भी अपना होममेड है। पूरी भर भर के आ रही टॉपिंग, किसी चीज़ की कंजूसता नहीं है। जब तक पनीर के पेटीज पे आना था तो मज़ा नहीं आता। और यार अपने मेन भुजिया, ओ इतने सारे पनीर, भुजिया भी ब्रांडेड, लोकल भुजिया नहीं है, ब्रांडेड भुजिया ये भी छोटी मोटी नहीं है, पूरी भरी पड़ी है। आपने जैसे पेटीज को मैंने आपको दिखाई दिया,
अब भैया बोल रहे हैं कि यहाँ की आप आइस टी और देखिए पेटीज के साथ, तो अपन आइस टी और करिए। भाई जी, इस आइस टी की खासियत क्या है? आइस टी खासियत ये है कि आइस टी भाई खुद की होममेड है। अक्सर मार्केट में आइस टी के पैकेट मिल जाते हैं, अपन लोग आइस टी पैकेट यूज़ नहीं करते, हम लोग खुद बनाते हैं। चाय की पत्ती, गुलफाजी, छोटी इलायची, मोटी इलायची, जो जितने भी हर्बल आइटम आते हैं उससे बनती है। गरम मसाला वगैरह हो गया सब डलता है इसमें, नींबू का फ्लेवर हो गया, उसकी आइस टी बनती है। और ये बहुत हेल्दी और अच्छी है, मतलब पेटीज के साथ बहुत अच्छी लगेगी, शानदार चीज़ है। और अलवर में बहुत लोग ट्राई करते हैं आइस टी बनाने की, बैठते नहीं किसी से, बैठते हैं। हाँ, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। ये भी सीक्रेट रेसिपी इसके, इस छोटी सी शॉप के अंदर है ना बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए भैया के हाथों से। इसका जो जादूगर है वो सिर्फ भैया ही है, खुद ही शेफ है, ओनर शेफ जादूगर, जब जो बोलना चाहो भैया वो है शॉप के। तो आप लोगों ने जो शॉप देखी थी वो मेनली है पेटीज की, जहाँ पे पेटीज बनती है, जो बाहर सोशल डिस्टेंसिंग से वहाँ पे दी जाती है। और ये है, आपको मैं दिखाऊँ तो ये आसपास का एरिया है, इसको ये भैया ने रेस्टोरेंट के रूप में बना रखा है कि जो भी बंदा आए पेटीज में वो यहाँ पे आके खा सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम पेटीज आपको दिखाते हैं। ये भैया ने बनाई थी अफगानी पेटीज, आप क्रीमीनेस आप देख सकते हैं, भैया ने इसके अंदर 3 सॉस मिक्स करी है जो इसकी स्वाद बढ़ाएगी। तो चलिए अपन इससे टेस्ट करते हैं पूरी। फुल्ली क्रंची, ऑसम, अनलिमिटेड स्वाद जो मैं अलवर में आज तक कभी देखे भी नहीं है, वो अफगानी के अंदर है। अभी तो तंदूरी मेन बच रही है अपनी, चलिए तो चलिए अभी तंदूरी टेस्ट करते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ ये कितना क्रीम भरा गया है, इतना सारा क्रीम भर रखा है। ये टॉपिंग मेरे लिए नहीं है, सबके लिए ऐसी टॉपिंग है। तो चलिए अपन मेज इसकी पिज़्ज़ा से चालू करते हैं। बहुत ज़्यादा भर रखा है ये भैया ने, जिसका जो इसका प्राइस भी बताता है और रेट भी बताता है कि एकदम मस्त है, और क्वांटिटी तो इसकी है ही ज़बरदस्त। अगर कोई पेटीज खानी हो यहाँ की, इसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और मेरी वीडियो के अंदर ही बता दूंगा एड्रेस कहाँ पर है, ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख करके आपको सब्सक्राइब और लाइक करके बिना नहीं जाना है। ओके, थैंक यू।